पंचायत प्रतिवेदन श्रृंखला में आई हम बात करब झंझारपुर प्रखंड अंतर्गत कोठिया ग्राम पंचायत के, और कोठिया ग्राम पंचायत में 2010 से 2015 के बीच में एक विधायक के रूप में जे हम काज केने रही, आई ओकरा अपने सबके बीच हम प्रस्तुत कर रहल छी। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हेतु लगवाए चापाकल। मानवीय संवेदना से जनसेवा के प्रति समर्पित, जरूरतमंदों के इलाज हेतु रहे सदैव तत्पर। मनरेगा योजना BRGF, 13वें वित्त आयोग, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायत में किए ढेरों विकास कार्य। विवेकानुदान कोष से वर्ष 2011 से 2015 में जरूरतमंदों की सहायता। NH57 से शुक्ला राही जाने वाले पथ का निर्माण। रूपोली मल्लाह टोल से श्री नूतन साहब के घर तक जाने वाली सड़क का PCC निर्माण कार्य। राधा कृष्ण मंदिर से श्री राजीव झा के घर होते हुए श्री रतन झा के घर तक एवं श्री झुनझुन चौधरी के घर से श्री युगल झा के घर तक PCC सड़क का निर्माण कार्य। श्री ललित की दुकान से श्री अमरनाथ झा घर होते हुए श्री चंद्रकांत झा के घर तक PCC सड़क का निर्माण। श्री बद्री झा के घर से श्री अरुण मिश्रा के घर तक PCC सड़क निर्माण कार्य। लोहना श्री अरुण शंकर मिश्र के घर से पोखर का पश्चिम भिंडा होते हुए श्री गोविंद झा के घर तक जाने वाली सड़क का PCC निर्माण। लोहना मध्य विद्यालय से महादलित टोला होते हुए लोहना पाठशाला NH57 तक जाने वाली PCC सड़क का निर्माण। NH57 पेट घाट से बिरौल निर्भापुर गंगवार होते हुए भगवानपुर चौक तक जाने वाली सड़क का निर्माण। रूपोली पश्चिम टोला श्री भोला ठाकुर के घर के पास श्री हरिनाथ मिश्र नदी में पुल निर्माण कार्य। लोहना पाठशाला से धोबियाही जाने वाले पथ में तालाब के पास पुल निर्माण। झंझारपुर प्रखंड के अंतर्गत परसा शुक्ला राही में 100 KVA का ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन कार्य। झंझारपुर प्रखंड के हटारूपोली गांव में 100 KVA के ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन कार्य। लोहना पाठशाला सिंहवाणी मंदिर का विकास एवं सौंदर्यकरण कार्य। रूपोली श्री राजू घर के समीप पोखरा में घाट निर्माण। वर्ष 2010 से 2015 में झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्ण विद्युतीकरण हेतु सभी छूटे हुए गांवों व टोलों को पूरक DPR में शामिल कराते हुए पंचायतवार सूची को आमजन से सुझाव प्राप्त करने हेतु 18 अप्रैल 2013 एवं 1 जनवरी 2015 को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया एवं प्राप्त सुझावों के आधार पर पूरक सूची 29 अप्रैल 2015 को ग्रामीण कार्य विभाग को भेजा। वर्ष 2010 से 2015 में झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण हेतु मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क पथ के अंतर्गत 26 नवंबर 2012 को प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए 31 मार्च 2013 एवं पुनः 1 अप्रैल 2015 को समाचार पत्रों में सूची का प्रकाशन कराया एवं आमजन से सुझाव लेकर 29 अप्रैल 2015 को पूरक सूची ग्रामीण कार्य विभाग को भेजा गया।